श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये आप लोगों को मैं मंदिर दिखा रही हूँ, जो ये बक्सर विश्वामित्र की नगरी है उससे दक्षिण दिशा में ये मंदिर, न्यू मंदिर ये बना हुआ है। और अभी तो सिर्फ काली जी का मंदिर बना है, बाकी अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है। और बहुत अच्छा ये मंदिर है देखने में, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। और यहीं पास में हमारा एक रिश्तेदार का घर भी है जहाँ की गृह प्रवेश हुआ, तो कुछ वीडियो मैं वहाँ से भी ली हूँ उनके घर से। और घर से जब इनका पूजा आरती सब समाप्त हुआ उसके बाद भी हम मंदिर गए थे और मंदिर देखे, मंदिर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर में देखने के लिए, तो अभी तो ये घर में ही आरती हो रहा था और आरती के बाद हम लोग पहुँचे ये मंदिर में। तो आप लोगों को भी ये काली जी का मंदिर है, देखिए कितना सुंदर है। ये दान पेटी है, ये बगल में ही ये तालाब जैसा ये पूरा पोखरा बना हुआ है इस मंदिर के अगल बगल। हरियाली भी देखिए कि कितना सुंदर ये मंदिर है, या ये मंदिर देखने के लिए बहुत दूर दूर से आता है। अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अभी ये मंदिर अभी बन ही रहा है, लेकिन यहाँ मंदिर का शुरुआत हो गया है, काली जी का मंदिर। यहाँ गांव वाले को मानता है कि अमावस्या की रात में जब अंधेरी रात होती है तो गांव के सभी लोग आते हैं अपने अपने घर से जोत लेके, और रात के टाइम में यहाँ पर जागरण करते हैं और पूरी रात यहाँ जागते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और पूरी रात यहाँ दीप जलता है। सब लोग अपने अपने घरों से दीप लेके आते हैं। ये काली जी का ये नीम का पेड़, कहते हैं कि काली माता नीम के पेड़ पर झूला लगाती हैं। नीमिया की डाढ़ी मैया लवेली झूला रवा कि झूली झूली ना, तो ये काली जी का मंदिर है। और काली जी के मंदिर के पास ये नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ पर ये देखिए ये नीम का पेड़ है और यहीं सारे ध्वजा और ये सब झंडा गाड़े हुए हैं। और ये सामने ऊपर भी एक काली जी का मंदिर है और इसके बगल में ये तालाब हैं, तो देखिए देखने में बहुत सुंदर है मंदिर। तो ये पूजा के बाद अपने घर से हम मंदिर देखने गए थे। जय श्री कृष्ण।